चाय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी दिन की शुरुआत चाय की गर्म चुस्कियों से होती है। चाय की टपरी पर सिर्फ चाय नहीं, अनगिनत यादें भी बनती हैं। हमारी जिंदगी की कई यादें भी चाय के साथ जुड़ी होती हैं। Today's Safar is in one such iconic paradise for tea lovers in Pune, Tilak Chai. Hello friends, welcome to Safar Ki Anka. अब आपने देखा होगा कि मैंने ये जो चाय है वो लाइन में खड़े रह के लिए, लिटरली आई हैड टू स्टैंड इन द लाइन, लेकिन कंपैरेटिवली आज लाइन कम था। इससे भी बड़े लाइन में खड़े रह के हमने यहाँ पे चाय पी है। फाइनली वी हैव द गर्मा गर्म चाय। अगर आप चाय विनिस्ट हैं, मेरा मतलब है अगर आपको चाय बहुत पसंद है, जैसे हमें बहुत पसंद है, वी आर वेरी चूजी वेरी पिकी अबाउट चाय, हमें चाय परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप परफेक्ट चाय पीना चाहते हैं, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ का एम्बियंस आपको बहुत क्राउडी लगेगा, बट यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। आप अपने दोस्तों के साथ आके गप्पा मार सकते हैं। चाय के बारे में बात की जाए तो गर्मा गर्म चाय आपको हमेशा मिलेगी। इलायची का फ्लेवर यहाँ पे थोड़ा डोमिनेटिंग है, सो इट इज़ नॉट मसाला, इट इज़ नॉट अदरक, इट इज़ इलायची दैट गिव्स यू अ गुड टेस्ट, अ सूदिंग टेस्ट टू योर चाय। सहा डिसेंबर 1999 चालू केलं, त्या टायमाला म्हणजे 10-15 रुपये आपल्या तिथे 1 रुपया मापून स्टार्ट चालू केला, 1 रुपया मापून स्टार्ट झाला। सुरुवातीला मग नाश्ता वगैरे आपण कमवतो, त्याची मागणी आणून घेतो, हळूहळू लोकांची मागणी वाढल्यानंतर मग त्याचं दुकान घेतलं आपण, कॅकेट आणि पुढे चालू केले। मग हळूहळू जसं कस्टमरचं आलं असतं की बाबा आपण जे चालू करा, मग ते चालू करा, मग ते आपले आयटम चालू केले। पण इथं वेरे क्लासेस आणि पी जो क्लासेस वरती फार होतं, त्या टायमाला इथं वेरे क्लासेस 200 विद्यार्थी यायचे, तर त्यांना आपण इथं सायकली लागायच्या 90-90 हवा दिलं तर चहा आणि हळूहळू मग समोसाही फेमस केला इथं बनवा लागला। म्हणजे तेव्हा बाजू 95 म्हणजे तो दिवस चालू झाला बरोबर, आतापर्यंत चालू आहे का काही। तेव्हा तुमचं वय काय होतं? मी तर आलो तेव्हा माझं म्हणजे 21 वय होतं माझं, आता माझं 51 रन झालं। मला अजून एक गोष्ट विचारायची, इकडे किती दुकान येऊन गेले खायचे या बद्दल आम्ही नेहमी बघतो, पण आत्ता तर एक चहावाला सुरू पण करायचं म्हणजे काही नाही वाटत काय, तो पण आपण आपल्या आपल्या कर्माने आपण चांगलं चांगले मधी नाही तो त्याचं रेडिओ मी सकाळी 6 आलाय सावे लावतो, पण ते सुरुवात होती त्याच्यामध्ये, नंतर संगीत करीता त्यांचं भुले बिथरे गीत जुने पुराणे गीत 8:30 लागतात, तर मी एकदा जातो जेवायला परत 3:30 नाही येतो, 9:30 पर्यंत सावलीच झाले। रेडिओ ऐकताना चहा बनवताना चहा बनवताना पण मला एक प्रकारे उत्साह येतो। हमें उम्मीद है कि चाय के प्रेमियों के लिए बनाया गया ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चाय के लिए सर्दी गर्मी या बारिश कोई भी ऋतु हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमें आशा है कि आप सभी से कभी चाय पर चर्चा होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।